चल रही, बाहर बैठ के आपसे बातें कर लेती हूँ, वैसे मेरा ध्यान तो आपकी तरफ ही रहता है आजकल। तो हम दुनिया टाइम पे हुआ है, तो अभी है थोड़ा सा टाइम, उसका चलेंगे, लंच ब्रेक होगी, फिर कुछ खाना छाना खा लूँ, भूख लगी हुई है यार। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं की सुबह, जब तक मैं जाती तब तक ख़त्म ही हो गई थी। रात को सोती नहीं जल्दी, लेट हो जाता है, दो तीन तो बच जाते हैं डील, तो उसकी वजह से भी सुबह उठने नहीं होता, ऊपर से बस बंद हो जाती है। आज खाते हो, एक तो खाना भी क्या ही यार, ऐसे बकवास खाना दे देते हैं साथ में। तो अभी 3 बजे जाऊँगी कॉलेज, कॉलेज से जाऊँगी पीजी में, तो उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ। एक बार से ब्लॉग रहता है अभी वैसे मेरा एडिटिंग करने के लिए, पहले वो आएगा उसके बाद ही आएगा, फिर वो चली गई है। चली गई है क्या? हाँ चली गई है, शायद चली गई है मैम, आप चलते हैं। यार बंक करके बैठने का मजा ही कुछ हो रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? तो आ गई मैं कॉलेज से, आज खाना नहीं खाया था अच्छे से यार, अच्छा नहीं था बिल्कुल भी खाना। तो अभी जा रही हूँ बाहर के रेस्टोरेंट में, तो साथ में आज मैं करने वाली हूँ प्रैंक रेस्टोरेंट में जाके, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा प्रैंक। अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या प्रैंक करूँगी, बट सोच लूँगी। तो गाइस देखो दुनिया में कितने बेवकूफ़ इंसान हैं, हम वहाँ से सीधा रोड से आ सकते हैं, जिसने मुझे घुमा के गलियों के बीच से लाया, मतलब हद हो गई। तो आप मुझे बोलती है यार हम यहाँ से भी तो आ सकते थे यार, बहुत ज़्यादा स्यापा है, छोटा सा फ़ोन है बेचारा गरीबों का, अच्छे से हो भी नहीं पाती ब्लॉगिंग, ऊपर से लोग हैं यार ऐसे देख साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या था ये, क्या था, ऐसे पागल लोग हैं यार, कुछ भी ऐसे देखते हैं, पता नहीं मैं कौन सी फिर जाती से आई हूँ या मैं कौन सी फिर जाती हूँ। ठीक है फिर बाद में मिलती हूँ, अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, देखो सब देख देख के जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया यार, ऐसा क्या कर दिया मैंने। मैंने अपनी फ्रेंड को सब कुछ समझा दिया कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं अब कैसे रहता है मेरा फ्रेंड, मैं पहले खा लेती हूँ जोर जोर बुक कर दूँ। मैं आ गई हूँ बाहर, रिया अभी अंदर ही है, तो मैं यहाँ से छुप के शूट कर लेती हूँ यहाँ से। हाँ भैया कितना हो अभी? गाइस निकल गया भैया, आ गया तो ये गाइस फाइनली मेरा प्रैंक हो गया था शूट, तो भैया ऐसे डर गए, पता नहीं कहाँ चली गई यार, भैया कितने डर गए थे ना मतलब जैसे ही मैं अब आगे रिसेप्शन में गई, मतलब भैया कितना भी ले हुआ, तो वो मेरे को बोलने लगे, जैसे ही उन्हें बोलने लगे फटाफट भाग के आ गई बाहर, तो भैया पीछे भागे यार, कहाँ गई बिना पैसे दिए। एक तो वैसे ही मैं उस रेस्टोरेंट में गई नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब एक दो बार गई हूँ, तो इतनी जान पहचान थी नहीं भैया को मेरी, तो वो डर गए यार कहाँ चली गई। तो फिर उन्होंने भैया बोला भैया नहीं थे सिर्फ प्रैंक था, देख लो आप वीडियो भी शूट हो रही है, कोई आपके पैसे लेके नहीं भाग रही थी। तो बस यही था आज की वीडियो में, गाइस इसकी जीन्स को कराने टक्स लगवाने, तो देख लेते हैं पहले करवा लेते हैं काम,
उसके बाद चलते हैं पीजी में, फिर वापस बाहर कौन आएगा बार बार, वैसे भी टाइम हो गया, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी जाके, फिर वापस एडिटिंग करनी है। प्लीज़ गाइज अपना बहुत सारा प्यार दें यार, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई नो शायद जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन अभी उतनी वैसी वीडियोज़ में नहीं बना पा रही हूँ, बट गाइज मेहनत लगेगी, थोड़ा भी टाइम लगेगा, उसके बाद ही अच्छा हो पाएगा। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो तो बड़ा कोई आईफोन है, कोई अच्छा फ़ोन है, सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उससे जैसी एडिटिंग हो पाती है, जो हो जैसा हो पाता है मैं कर लेती हूँ। तो प्लीज़ गाइज अपना प्यार दें मुझे बहुत सारा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। मुझे शॉप ही मिली गाइज, जो पीछे वाले थे वो तो मना करके कहते हैं अभी नहीं हो पाएगा एक दो दिन तक, तो उसकी चाहिए थी, उसको चाहिए नहीं आ जाते। व्रत कल करवा चुके, व्रत है आपको दिखाती है यहाँ पर कितना अच्छा। मम्मा पास में होती तो उनके लिए ले जाती।